गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हैं, सब ठीक ठाक है? ये मैटर के बारे में समझ में आया बेटा? आज सेकेंड चैप्टर हम बताएंगे आपको कि वो मैटर जो होता है वो प्योर कैसे होता है, वो प्योर होता है कि इम्प्योर होता है, उसके बारे में जानोगे। आपका देखोगे हेडिंग क्या होगा, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। आपके चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं प्योर है, ठीक है? जनरली देखोगे प्योरिटी का, जो मार्केट में आप जाते हो पैकेट का दूध देखते हो, उस पर लिखा रहता है शुद्धता की गारंटी। तो वहां वो शुद्धता की गारंटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो दूध तुम्हारा प्योर है। दूध प्योर नहीं होता है। वो शुद्धता की गारंटी का मतलब कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। चाहे और भी देखोगे ब्रांड एंड कंपनी लिखता है 100% शुद्ध प्योर, तो वहां पर प्योर का सेंस ये होता है कि उसमें एडल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं होती है। लेकिन साइंस में प्योर का डिफिनेशन कुछ और है। समझ में आया मेरी बात? हम शुरू करें, जल्दी जल्दी आप लोग जुटिए। अब देखो जैसे तुम्हारा देखो साल्ट है, तुम्हारा साल्ट में लिखा देखो क्या कहता है, एक्स्ट्रा फ्लो आयोडाइज साल्ट। अब इसमें भी लिखता है कि शुद्धता की गारंटी, लेकिन ये प्योर नहीं है, माने इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप पढ़े हो साल्ट में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, आयोडीन होता है। तो साइंस से अगर चलोगे, साइंस अकॉर्डिंग टू द साइंस, तो ये प्योर नहीं हुआ। उसी तरीके से देखोगे प्योर घी लिखा रहता है, घी प्योर हो ही नहीं सकता है। हाँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो कोई भी वो शॉपकीपर या ब्रांडेड कंपनी जो लिखता है कि 100% गारंटी, तो 100% गारंटी का मतलब ये होता है यहाँ पे कि वो एडल्ट्रेटेड नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये होता है। लेकिन वो 100% शुद्धता की गारंटी का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ जो है तुम्हारा प्योर हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर कहता है कि प्योर का मतलब क्या होता है, तब ध्यान से देखो साइंस में क्या कहता है। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ द पार्टिकल। अगर कोई भी मैटर एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है तो उसको कहा जाएगा प्योर सब्सटेंसेस। एक ही टाइप के पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी होगा उस मैटर में जितने भी पार्टिकल हो वही प्रॉपर्टी होगा। तो प्योर सब्सटेंस का एक डिफिनेशन ये भी दिया जाता है कि दे ऑलवेज शोज वन प्रॉपर्टी व्हाट एवर द कंडीशन। माने कहता है कि वो अगर कोई भी मैटर उसमें एक ही प्रॉपर्टी शो किया जाता है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता। चेंज माने फिजिकल कंडीशन के चलते अगर प्रॉपर्टी, जैसे टेम्परेचर हाई कर दिए, लो कर दिए, उस तरफ उस सब्सटेंस को गर्म करने या ठंडा करने से, जिसके चलते अगर प्रॉपर्टी चेंज हो तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो सिंपली आपको याद क्या करना है, प्योर सब्सटेंस का मतलब भी होता है कि दोज सब्सटेंस व्हिच मेड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ द पार्टिकल, तो दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? अब देखो यहां पर कहता है अब देखो यहां पे कहता है देखो, इट मींस दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। माने उस मैटर में जो भी पार्टिकल है, जो भी चीज है कंस्टिट्यूएंट है, तो उस सारे पार्टिकल का नेचर क्या हो, केमिकली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर उस टाइप का कोई भी मैटर है तो उसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो उस टाइप के सब्सटेंस को कहा जाता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का ध्यान से देखना क्या होगा, दो कैरेक्टर होगा, एक दो सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ द पार्टिकल। दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, दे डज नॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकली उसको आप सेपरेटेड नहीं कर सकते हो, ठीक है? अब उसी के आधार पे देख लो मैटर को क्या किया है, दो भाग में बांटा है। एक को कहते हो प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है तुम्हारा इम्प्योर। तो प्योर का मतलब क्या, प्योर में आ जाता है एलिमेंट, कंपाउंड, देख लो एलिमेंट कंपाउंड एंड सॉरी
हाँ एलिमेंट एंड कंपाउंड आ जाता है, और इम्प्योर जो होता है उसी इम्प्योर को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस, और इसी इम्प्योर को कहा जाता है मिक्सर। तो जब भी कोई आदमी अगर मिक्सर बोलता है तो समझ जाना कि वो क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब कि उस सब्सटेंस में जिससे वो बना हुआ है तो उसमें जो पार्टिकल है वो डिफरेंट नेचर का है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। और उसी मिक्सर को इम्प्योर को फिर बांटा है, देखो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है, अगर कोई मैटर है सपोज करो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्टिकल, माने सबका केमिकल नेचर अलग है, लेकिन वो इस तरीके से मिक्सअप हो जाता है कि आप नेकेड आई से देख नहीं पाते हो, यानी वो जो पार्टिकल उसमें मिलाए हो क्या हुआ, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, जिसके चलते वो पार्टिकल दिखाई नहीं देता है। तो उस टाइप के इम्प्योर मिक्सर को क्या बोलोगे, होमोजीनस। जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल हम देते हैं, वाटर है, वाटर में आप शुगर को डिजोल्व कर दो, कुछ देर के बाद देखोगे आपको शुगर दिखाई नहीं देता है, तो क्या होता है वो शुगर पार्टिकल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, उस वाटर में से जहां से भी पानी लोगे वो मीठा ही लगेगा, ठीक है, तो उसको कहा जाता है होमोजीनस। जैसे मिल्क में देखो ना, हालांकि मिल्क है तुम्हारा हेट्रोजीनस, लेकिन मिल्क क्या होता है, व्हाइट पार्टिकल तुमको तो ना दिखाई नहीं देता है, लेकिन है वो हेट्रोजीनस, ठीक है। उसी तरीके साल्ट सॉल्यूशन बनाते हो तो बहुत सा देखोगे जो मिक्सर होता है वो होमोजीनस होता है। होमोजीनस का मतलब ही होता है कि दैट पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। अब वही यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेकेड आई से क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका पार्टिकल का साइज बहुत ही कम होता है, वो नैनोमीटर में होता है, आगे हम बताएंगे, ठीक है। फिर देख लो उसी होमोजीनस मिक्सर को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है, और हेट्रोजीनस का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल आपको दिखाई देता है। जैसे सपोज करो वाटर में सैंड को मिला दो तो देखो आपको उस सैंड क्या होता है, दिखाई देता है। तो उस टाइप का जो मिक्सर होगा तुम्हारा उसको क्या बोलोगे, हेट्रोजीनस। जैसे बाजार से आप मिक्सर खरीद के लाते हो तो उसमें देखो ना सेब भी रहता है, चना भी रहता है, बादाम भी रहता है, तो आप देख देख के खाते हो ना, तो क्या हो गया, हेट्रोजीनस हो गया। मिल्क भी तुम्हारा हेट्रोजीनस है, और हेट्रोजीनस को बांटा है तुम्हारा सस्पेंशन एंड कोलोइडल में, माने दो तरह का हेट्रोजीनस मिक्सर होता है, एक होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलोइड। कोलोइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा मिल्क है, सस्पेंशन वही सैंड जो वाटर में डाल दिए तो थोड़ी देर जब उसको स्टायर करते हो तो देखो पूरा वो सैंड पार्टिकल मिला रहता है, लेकिन अगर उसको छोड़ दो तो धीरे धीरे सैंड पार्टिकल क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। समझ में आई मेरी बात, बोलो। अब आ जाओ वही मेन तुमको पढ़ना है, इम्प्योर क्या है, वो जो प्योर सब्सटेंस जो हमने क्लासिफिकेशन जो किया था कि एलिमेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो बोलते हो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द मैटर, तो वो आगे हम बताएंगे कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है। और जिसे एलिमेंट तो चलो सेम टाइप ऑफ द एटम से बनता है, लेकिन पढ़ोगे कंपाउंड क्या होता है, टू डिफरेंट टाइप्स होता है, तो फिर वो प्योर कैसे हो जाता है वो आगे बताएंगे। अब देखो यहां पर कहता है कि उसी इम्प्योर को जिसको आपने बोला मिक्सर, और मिक्सर का ही एग्जाम्पल सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन तब बोलोगे जब वो मिक्सर तुम्हारा क्या है, होमोजीनस है। मान लो उस मिक्सर में आपने कोई सब्सटेंस को मिलाया और वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई चीज मिलाते हो और आपको दिखाई देने लगता है तो वो दो तरह का हो जाता है, वो हेट्रोजीनस हो गया। हेट्रोजीनस का दो अथी होता है, एक सस्पेंशन दूसरा कोलोइड, ऐसे कोलोइड में दिखाई नहीं देगा लेकिन है वो एक्चुअली हेट्रोजीनस। अब यहीं पर देखो क्या करता है, व्हाट इज ए मिक्सचर, अब वो क्या करता है, इट इज फॉर्म बाय द मोर देन वन काइंड ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ ए मैटर। क्या होता है, कोई प्योर सब्सटेंस है तो एक से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दो। तो मान लो एक प्योर सब्सटेंस है तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी, दूसरा प्योर सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी कुछ होगी, दोनों को मिक्स कर दो तब तो दोनों प्रॉपर्टी दिखाई देगा ना, इस मैटर का भी दिखाई देगा और
इस मैटर का भी दिखाई देगा। तो उस टाइप का जो मैटर बनता है या सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलोगे, मिक्सर बोलोगे। और देखो उसका एग्जांपल क्या दिया है, देख लो, कहता है डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। जैसे अब एग्जांपल देखो इसका सॉल्यूशन का है, अब वाटर ले लो, मान लो आपने ये वाटर है, प्योर वाटर है, तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। हालांकि पढ़ोगे वाटर भी जो है तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, ये कंपाउंड है, फिर भी प्योर कहते हो, तो बताएंगे क्यों प्योर कहते हो। अब इसमें आपने क्या किया, साल्ट डाल दिया एक स्पून और इसको चम्मच से घुमा दिया, तो थोड़ी देर के बाद देखोगे वो साल्ट पूरा क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है और आपको अब उस साल्ट दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है, वो साल्ट क्या होता है, यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस तरीके से देख लो, सपोज करो ये साल्ट है, ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो इस टाइप का जो मिक्सर बनता है इसी को होमोजीनस कहा जाता है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, जिसके चलते क्या होगा, यहां से भी वाटर लोगे तो क्या होगा, नमकीन लगेगा, साल्टी होगा, यहां से भी कहीं से भी एक ड्रॉप वाटर लोगे आपको साल्टी होगा, क्यों, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। लेकिन देख लो ये प्योर नहीं है, इम्प्योर है, अगर इसको आप हीट कर दो क्या होगा, वाटर जो है वेपर बन के निकल जाएगा और आपका साल्ट यहां रह जाएगा, तब ये प्योर नहीं हुआ, ये मिक्सर हो गया। तो वही यहां पर कहता है, देखो डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। हाँ, ये फिल्ट्रेशन नहीं होगा, फिल्ट्रेशन भी टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि इस पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर से भी क्या होता है, पास हो जाता है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड का जो आपने वाटर में डिजोल्व किया इसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर दिए हुआ है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अब देखो क्या कहता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर। अब वो एक मैटर को दूसरे मैटर में जो मिलाते हो, तो जिसको जो आप मिला रहे हो तो उसका नेचर किस टाइप से है, उस कंपोनेंट का नेचर क्या है, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को जब मिक्स करते हो, तो यहां पर कहता है कि व्हाट एवर द नेचर ऑफ द वन सब्सटेंस या और अदर सब्सटेंस, सारे सब्सटेंस का नेचर क्या है, तो उसके बेस के आधार पर क्या किया है तुम्हारा, उस मिक्सर को दो भाग में बांटा है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सॉल्यूशन। तो जनरली देखोगे सॉल्यूशन जब दिमाग में आता है लोगों को तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म। नो, सॉल्यूशन तुम्हारा सॉलिड भी होता है, जैसे एलॉय पर हो गया, जैसे ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, क्या होता है उसमें दो या दो से अधिक मेटल को मिक्स किया जाता है। जैसे आप गोल्ड लेने जाते हो तो गोल्ड तो प्योर का तो ऑर्नामेंट बनता नहीं है, उसमें कॉपर मिलाया जाता है, लेकिन कॉपर आपको दिखाई नहीं देता है, क्या हुआ, वो कॉपर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, सिर्फ इसलिए एक ही प्रॉपर्टी दिखाई देता है। तो वो भी क्या हुआ, सॉल्यूशन हो गया, तो वो सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। लिक्विड में गैस भी रहता है, जिससे सॉफ्ट ड्रिंक पीने जाते हो तो उसमें तो लिक्विड भी होता है, उसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, लिक्विड में लिक्विड भी होता है तुम्हारा, जिसे मान लो वाटर में सोडियम क्लोराइड डाल दिए तो उसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों हो गया। तो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता है। तो देखो क्या कहता है, इट इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। देख लो एग्जांपल, देखो लेमलोडा, लेमन जूस पीते हो, अब उस वाटर में नींबू निचोड़ देता है, क्या होता है, वो नींबू जो है लेमन जूस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, कहीं से भी उस वाटर को लोगे तो वो क्या होगा, नींबू का स्वाद आवेगा, तो वो सॉल्यूशन हो गया। उसी तरीके देखो सोडा वाटर हो गया तुम्हारा, सोडा वाटर में क्या होता है, वाटर तो रहता ही है, इसमें गैस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर हुए। अब देखो क्या कहता है, सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड और लिक्विड और गैसेज डिजॉल्विंग,
माने सॉल्यूशन में क्या, एज ए लिक्विड। अब उसमें क्या होता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, बट यू कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एलवाई, जो हमने बताया ये सॉलिड सॉल्यूशन हो गया एलवाई। एंड देख लो गैसियस सॉल्यूशन जिसे एयर, पर एयर क्या होता है, मिक्सर ऑफ द गैसेस, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब उसमें देखो नाइट्रोजन क्या होता है, 76% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% होता है, वो भी क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया आपका। अब देखो क्या कहता है, ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स एज इट्स कंपोनेंट, लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट्स। थोड़ा सा इसमें समझो क्या होता है, समझ में आ रहा है, एकदम शिक्षित बनो, पढ़ो, हैबिट डेवलप करो पढ़ने का, शिक्षा ही अंधकार को दूर करता है बेटा, अभी से बेस बनाओ, पढ़ने का हैबिट बनाओ। अगर 9 में आप 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हो, धीरे धीरे आपका हैबिट डेवलप होगा, फिर 10 में 6 घंटा पढ़ोगे, 11, 12, फिर 12 के बाद क्या आपका टारगेट है, क्या आपका गोल है, वो गोल पूरा करो या आगे, तो जितना पढ़ोगे आपका अंधकार उतना हटेगा और आने वाला समय जो है तुम्हारा क्या है, शिक्षित। शिक्षित का मतलब क्या होता है, स्किल्ड पर्सन। और आज के समय में या आपका जब समय आएगा तो सिर्फ उसी आदमी की पूछ होगा जो स्किल्ड होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि सॉल्यूशन में तुम्हारा दो कंपोनेंट होता है, एक को कहा जाता है सॉल्वेंट और दूसरे को कहा जाता है सॉल्यूट्स। तो यहां पर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि जिसका क्वांटिटी लार्जर है, जिसे सपोज करो आप एक गिलास वाटर लिए, ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, मान लो ये 5 ग्राम वाटर है और इसमें आपने 1 ग्राम शुगर डाल दिया, तो ये शुगर तो डिजॉल्व हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब ये दोनों देखो, वाटर एंड शुगर मिलके क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो आप कहता है इसमें कौन सॉल्वेंट होगा और कौन सॉल्यूट्स होगा, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगा, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ कोमल, वाटर, वेरी गुड। तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और किसकी क्वांटिटी कम है, शुगर का, तो शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। याद रहेगा यहां पर वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब ध्यान से देखो, और सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल आता है, देखो सॉल्यूशन मतलब होता है इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, याद रहेगा, सॉल्यूशन का मतलब ही होता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट्स। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, अब जैसे सपोज करो आप आटा, आटा को जब गूंथते हो रोटी पकाने के लिए तो क्या करते हो, उसमें पानी देते हो, ठीक है, अब उसके बाद देखो लई बन जाता है, पानी कहां चला गया, तो क्या हुआ, आटा के कंपैरिजन में वाटर की क्वांटिटी आप क्या किए थे, कम कर दिए थे, तो वाटर वहां पर क्या हो गया, सॉल्यूट्स हो गया, और आपका आटा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो यहां पर सॉल्यूशन में यह होता है कि कौन किसको छुपा लेता है, तो कौन किसको छुपा लेता है, तो जो छुपा लेता है वो सॉल्वेंट हो गया, जो छुप जाता है वो सॉल्यूट्स हो गया, समझ में आ गया। तो यहां पर देखो लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट्स कहा जाता है, क्लियर हुए। लेकिन सपोज करो ये 5 ग्राम इसमें वाटर था और मान लो सपोज करो यहां पर 10 ग्राम आप शुगर डाल दो, तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ गई ना, तो खाली चीनी चीनी नजर आवेगा, तो यहां पर तो अब क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा सॉल्वेंट और वाटर हो जाएगा सॉल्यूट्स, क्योंकि वो शुगर पानी को क्या किया, अपने में छुपा लिया। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स का डिफिनीशन
डिपेंड करता है कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। समझ में आया? अब देखो कुछ एग्जाम्पल तुमको दिए हुआ है, ध्यान से देखो क्या कहता है। ए सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन देखो सुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तब यहां पर जो सॉल्यूशन का जो डिफिनेशन क्या हुआ, सॉलिड इन लिक्विड माने लिक्विड में सॉलिड डिजॉल्व है। तो सॉलिड क्या है, तुम्हारा सुगर है, तो सुगर की क्वांटिटी कम है तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट्स हो गया। और लिक्विड कौन हो गया, सॉल्वेंट हो, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो देखो यहां पर सुगर इज सॉल्यूट्स एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। दूसरा देखो एक और एग्जांपल दिए हुआ है, हाँ कौतकी बेटा बोलो क्या दिक्कत, समझ में आ रहा है? बोलो, वेरी गुड, ऐसे ही लिए लेते रहो। अब देखो ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ द आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट्स एंड द अल्कोहल लिक्विड एज द सॉल्वेंट। ये टिंचर आयोडीन आता है जैसे कट उठ जाता है, रेड कलर का होता है, तो देखोगे तो उसमें क्या होता है, आयोडीन को डिसॉल्व कराया जाता है। तो आयोडीन की क्वांटिटी कम होता है और लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा, अल्कोहल की क्वांटिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अल्कोहल एक्ट एज ए सॉल्वेंट और आयोडीन एक्ट एज ए सॉल्यूट, सो वही यहां पर दिया है। उसी तरीके से देखो एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड। देखो क्या होता है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होता है, तो जब कम होगा तो वो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन। देखो तो इस तरीके से देखो कि बहुत सा एग्जांपल तुमको सॉल्यूशन का मिलेगा और उस सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स कैसे आप डिसाइड करोगे, दे डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी। बोलो रमाकांत क्या हाल है बेटा, कोई दिक्कत? दिखाई दे रहा है बढ़िया से? आगे बोलो, देखो कौन है रे, सुधा कहाँ ध्यान है बेटा, थोड़ा कंसंट्रेट हो। ओके अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में क्या, ये तुमको याद करना। देखो क्या कहता है, होमोजीनस मिक्सर तो समझ गए सॉल्यूशन। अब यहां पर देखो क्या कहता है, पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, नैनो मतलब होता है 9, यानी 10^-9 meter। ध्यान से देख क्या होगा यार, 1 meter का 1.9 सिन्ना भाग, 1 पे 90 बैठाओगे तो उसका भाग होगा। तो इतना ये स्मॉलर होता है, क्या होता है कि उस लिक्विड में ये छुप जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, इसको आप फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट भी नहीं कर सकते हो। तो इस टाइप का जो मिक्सर होगा उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूशन कहोगे। तो देखो ये याद रहेगा। अब देखो सो दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आईज। अब देखो यहां पर क्या होता है, डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब मान लो उस सुगर सॉल्यूशन में ग्लास से, ट्रांसपेरेंट ग्लास से टॉर्च से लाइट मारो, लाइट बीम नहीं दिखाई देगा, डायरेक्ट पास हो जाएगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल इतना स्मॉलर साइज है कि उसको स्कैटर ही नहीं करता। जब तक स्कैटरिंग नहीं होगा क्या होगा, बीम ऑफ लाइट दिखाई नहीं देगा। आगे पढ़ोगे इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। दूसरा देखो, सॉल्यूट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि अब जैसे वो सुगर सॉल्यूशन है, अब फिल्टर पेपर पर डालो, सुगर नहीं अलग होगा, कब अलग होगा, या तो उसको हीट करो, तब तो केमिकल प्रोसेस हो गया, वाटर वेपर बन के निकलेगा, तब आपका सुगर सेपरेट होगा। ये देखो क्या कहता है, द सॉल्यूट्स पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है, मान लो इसमें वाटर था, मान लो इसमें ये सुगर इस तरीके से देखो डिसॉल्व हो गया और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए होमोजीनस है। थोड़ी देर इसको छोड़ दो अनडिस्टर्ब, तो कहता है कि उसके बावजूद भी सुगर पार्टिकल सेटल डाउन नीचे नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि सॉल्यूशन जो होता है वो आपका स्टेबल होता है। समझ में आया? क्या होगा? स्टेबल होगा वो पार्टिकल सेटल, क्योंकि उस पार्टिकल का साइज ही इतना कम है कि उस लिक्विड पार्टिकल के साइज से थोड़ा बड़ा उसी पर अटक जाता है, इसलिए वो सेटल नहीं होता है। समझ में आया? सॉल्यूट कहता है डू नॉट सेटल डाउन, सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो ये तुमको प्रॉपर्टी याद करना था। कोई दिक्कत? बोलो, जल्दी बोलो। इतना आज के लिए है तुम्हारा, सॉल्यूशन खत्म हो गया। इसके बाद तुम सस्पेंशन के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा सा इसमें जानोगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि आप सॉल्यूशन में देख ही रहे हो, माने दो से अधिक कंपोनेंट होता है, या तो दो होगा या दो से अधिक कंपोनेंट होगा। तो उस कंपोनेंट में जो सॉल्यूट्स या सॉल्वेंट है तो उसकी क्वांटिटी के आधार पर कंसंट्रेशन निकाला जाता है, और उसके आधार पर सॉल्यूशन को क्या करते हो, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो भी आप टर्म दो, तो वो डिपेंड करता है कि उसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट्स का क्वांटिटी कितना है। तो ये नेक्स्ट में हम तुमको बताएंगे स्लाइड में। और बोलो, आगे की दिक्कत समझ में आ रहा है ना बेटा? और लास्ट में फिर बोलते हैं, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, मित्रों के बीच में इसको फैलाओ। और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो उस वीडियो में देखोगे, वो एक मेरा वेबसाइट है www.paramartham.com, तो वेबसाइट खोलो, उसमें दिया हुआ ग्रेविटी क्लासेस करके दिया होगा, क्योंकि ये जो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये एनजीओ की तरफ है, इसलिए यहाँ पर फी बहुत ही कम लगता है अगर लाइव क्लास ज्वाइन करोगे तो, ठीक है, पर विषय 100 रुपया पर मंथ आपको लगेगा। तो वो वेबसाइट खोलो, वहाँ पर देखोगे ग्रेविटी क्लास को क्लिक करोगे तो उसमें आता है आपको क्या, उसमें देखोगे इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है कि मेडिकल पढ़ना है कि 9 है कि 10 है, तो जो भी ऑप्शन उसको फॉर्म भरो, सबमिट करो, आपको तुरंत